हाथरस के थाना स्वास्थ्य पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। चोरों के कब्जे से पुलिस ने चोरी के 2 टैबलेट, 1 माइक, 1 कंप्यूटर व 1 CPU के साथ 1 चार्जर को बरामद किया है। जानकारी के अनुसार 18 दिसंबर को रत्नेश पत्नी नेम सिंह निवासी आनंदपुरी कॉलोनी अलीगढ़ रोड थाना हाथरस गेट हाथरस प्रधानाध्यापिका हाल तैनाती प्राथमिक विद्यालय नगला रत्ना तथा शासनी जनपद हाथरस द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से थाना शासनी पर सूचना देकर बताया कि अज्ञात चोरों द्वारा प्राथमिक विद्यालय नगला रत्ना के ताला तोड़कर स्कूल में रखे टैबलेट, 1 माइक, 1 स्पीकर आदि सामान चोरी कर ले गए हैं। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक हाथरस निपुण अग्रवाल द्वारा घटना के शीघ्र खुलासे के लिए थाना शासनी को निर्देशित किया गया था। थाना शासनी पुलिस द्वारा धरातलीय साक्ष्य टेक्निकल इंटेलिजेंस CCTV फुटेज के आधार पर प्राथमिक विद्यालय में हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को जेल भेजा है। दिनांक 18/12/2023 को थाना शासनी में श्रीमती रत्नेश प्रधानाचार्य प्राथमिक विद्यालय नगला रत्ना द्वारा सूचना दी गई कि विगत 25/11/2023 को उनके विद्यालय का रात्रि में ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा विद्यालय में रखे टैबलेट, माइक, स्पीकर आदि सामान चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए समस्त धरातलीय साक्ष्य टेक्निकल जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला उसका इस्तेमाल कर CCTV कैमरे से प्राप्त सूचनाओं का इस्तेमाल कर इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 शातिर चोरों योगेंद्र सिंह, हरगेश कुमार और नौशाद को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 टैबलेट, 1 माइक, 1 कंप्यूटर, 1 CPU, 1 कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर केबल, चार्जर आदि सामान बरामद किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस 24 सत्य की राह पर डिजिटल न्यूज चैनल।